हाय गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, और ये मेकअप लुक है अंडर 40 रुपीज़ मेकअप लुक। जी हाँ, केवल 40 रुपए के अंदर आप कैसे एक बेहतरीन मेकअप कर सकते हो, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, केवल 40 रुपए। जी हाँ, अगर आप छोटी मोटी बर्थडे पार्टी वगैरह में जाना चाहते हो तब आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, अगर ऑफिस वगैरह जाते हो तब क्रिएट कर सकते हो, अगर टीनेजर हैं, कॉलेज वगैरह जाना स्टार्ट किया है, कॉलेज गोइंग गर्ल है, तब भी आप ये मेकअप लुक कर सकते हो। एंड हाँ, अगर अभी अभी आपकी शादी हुई है और आपको घर में रहना है, शादी के बाद क्या होता है ना, तुरंत शादी होती है तो थोड़ा सा बन ठन के ज़्यादा रहना पड़ता है, तो उस टाइम भी ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, केवल 40 रुपीज़ लगे हैं इसमें, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होने वाले, और बहुत ही कमाल का ये मेकअप लुक होता है और मुझे तो बहुत पसंद आया है। नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ने बहुत मेकअप किया, बिल्कुल नेचुरल है और आप काफ़ी अच्छे लगेंगे। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर दें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर दो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंडर 40 रुपीज़ में मेकअप करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। जी हाँ, मैंने केवल 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया और चारों चीज़ों की जो रेंज है वो केवल 10 रुपये है। जी हाँ, आपके पास 10 रुपये हैं तो आराम से ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लगाया है बीबी क्रीम। जी हाँ, केवल 10 रुपए में मैंने बीबी क्रीम लगाई है, और वो बीबी क्रीम है, ये है स्पिंज की बीबी क्रीम, और काफ़ी बेहतरीन लुक दिया जब मैंने इसे लगाया। मैं अपना वीडियो भी साथ में दिखाती जाती हूँ आपको। जब मैंने इसे लगाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम से ट्राई किया। जब ये बीबी क्रीम मैंने मार्केट में देखी तो मुझे लगा यार 10 रुपये में बीबी क्रीम, मैं भी चौंक गई। बट मैं इसे लेकर आई और मैंने इसको इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुरंत ही आपको एक मीडियम कवरेज देता है, आपके जो डार्क स्पॉट है उन्हें छुपाएगा नहीं, उन्हें ढकेगा नहीं, जैसे फाउंडेशन और कंसीलर करते हैं वो नहीं करेगा। वैसे भी बीबी क्रीम का काम होता है हमें थोड़ा सा मेकअप लुक, मेकअप टच देना, ना कि पूरा मेकअप हमारा कंप्लीट करना, ठीक है। उस हिसाब से ये बीबी क्रीम ने बहुत ही अच्छा वर्क किया, एंड मेरे फेस पर ग्लो भी नज़र आ रहा है। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया तब एक अच्छा सा ग्लो मेरे फेस पे आ गया, और आप देख सकते हो ये हाथ पे ही, मैं अभी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैंने फेस पे भी अप्लाई किया है, और ये देखिए ये क्रीम है, आप देखिए इसका जो कलर है बिल्कुल बीबी क्रीम की तरह है, बिल्कुल फाउंडेशन मिला हुआ आप देख सकते हो। एंड इसको लगाने के बाद तुरंत ही आपको जो कलर में है वो डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा कवरेज देता है ना, आप देख सकते हो। इस क्रीम में इस साथ में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और इस साथ में कितनी प्यारी कवरेज देता है ये। तो मैंने इसे लगाया जब, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसके बाद मैंने जो लगाया, मैं आपको इसके बारे में और बता दूँ, ये 10 रुपये का आता है, एंड ये आपको 5.5 ग्राम होता है इसमें, और इतनी मैंने 2 बार यूज कर ली अभी तक, तो बिल्कुल लगता है 4-5 बार और चलेगा। तो 10 रुपये में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, और ये आपके स्पॉट्स को कवर करता है ऐसा लिखा है, बट ये चीज़ मुझे नहीं लगी। और सन प्रोटेक्शन भी देता है, यानी आपको कोई भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ, जो बाकी बीबी क्रीम होती है सेम ये भी वर्क करता है। मैंने भी आप लोग के साथ DIY बीबी क्रीम शेयर की थी, उसको भी आप यूज कर सकते हो, वो भी काफ़ी किफ़ायती दाम में आप घर पे बना सकते हो। तो आप चाहो तो ये 10 रुपये की बीबी क्रीम आती है, स्पिंच की बीबी क्रीम, आप इसको ले सकते हो। ब्राइटिंग एंड ब्यूटी फेयरनेस क्रीम है। जी हाँ, आपको तुरंत आपके कलर को ब्राइट करेगा, एंड फेयरनेस क्रीम बेस है इसका, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब मैंने इसको लगाया तो जैसे बात हमें कोई कॉम्पैक्ट चाहिए या फिर लूज पाउडर चाहिए, ठीक है। 10 रुपये के रेंज में बहुत सारे पाउडर आते हैं, बट कोई बीबी पाउडर आपने सुना है? नहीं। मैं आप लोग के साथ जो पाउडर शेयर कर रही हूँ वो है एक बीबी पाउडर, ये भी स्पिंच का 10 रुपये का बीबी पाउडर है। जी हाँ, ब्राइटनिंग ब्यूटी टाल्क, ये इंस्टेंट ग्लो देता है आपके फेस में और आपके स्पॉट को कवर करता है। मैंने जब इसे अप्लाई किया तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो कलर है, ठीक है, उस वो हमारी स्किन कलर से काफ़ी मैच करता है, क्योंकि ये फाउंडेशन बेस है जिससे हमारे कंपैक्ट का कलर होता है हमारी स्किन की तरह कलर से मैच करता होगा, बिल्कुल वैसा ही है आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको यूज
करते हैं तो काफी तुरंत ही एक ग्लो आपके फेस पे नजर आता है। आप देख लो, मैंने इसे अपने हाथों पे लगाया है। एंड और आपको बता दें, ये जो क्रीम है और ये जो पाउडर है, जब इसे अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो फेस पे चिपचिपाहट होती है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। एंड पसीना भी, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कोई भी फैन नहीं है और मेरे फेस पे तब से कोई भी पसीना नहीं आया है। ये मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप टोटल 20 रुपीज़ में आप अपने बीबी क्रीम एंड बीबी फेयरनेस पाउडर भी आप ले सकते हैं। 10 रुपीज़ का आता है। एंड इसकी क्वांटिटी कितनी है ये भी मैं आपको बता दूँ, 15 ग्राम आपको मिलता है, 10 रुपये में आपको 15 ग्राम मिलता है। आप चाहो तो इस पाउडर को जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करना। एंड आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ क्रीम और पाउडर लगाया है और उसके बाद मेरे फेस पर ग्लो आ रहा है। आप बताओ कि इससे ज़्यादा मुझे कोई मेकअप करना चाहिए घर पर? मुझे तो नहीं लगता। आई थिंक मैं इसे आराम से किसी बर्थडे पार्टी में भी जा सकती हूँ, और घर के लिए तो सबसे बेस्ट है ये मेकअप लुक। एंड उसके बाद मैंने लगाया है काजल एंड लिपस्टिक। तो मैंने लगाया था काजल, काजल भी जो है वो 10 रुपये की रेंज में आता है। एंड आपको बता दूँ, मैं काजल का रिव्यू जरूर शेयर करूँगी, मैंने कौन सा काजल लगाया है। ये एक लोकल कंपनी का काजल है, क्योंकि 10 रुपये की रेंज में नहीं आता। लेकिन काजल जो होते हैं, कभी भी मैंने रिस्क नहीं लिया, ये पहली बार रिस्क लिया, क्योंकि आँखों का मामला होता है तो हमेशा अच्छे ब्रांड का ही काजल मैंने इस्तेमाल किया। बट पहली बार मैं 10 रुपये का काजल यूज कर रही हूँ। ये है काजल, द नेचुरल ब्यूटी काजल, ठीक है। ये 10 रुपये की रेंज में आता है और ये लिपस्टिक वाला है, और नॉइस बहुत आ रही क्योंकि मेरे घर मार्केट में, इस वजह से, ठीक है। 10 रुपये की रेंज में आपको इतना काजल मिल जाता है। एंड मैंने इसे अप्लाई किया अपने आँखों पर। जब मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया तो इसकी फिनिशिंग, जैसे हम काजल यूज करते हैं, मैंने लोटस का किया है, लैक्मे का किया है, बट उसे लगाते हुए एक फिनिशिंग लुक आपको मिल जाता है, वो लुक नहीं मिला। बट हाँ, ठीक ठाक ही काजल लग गया, बहुत अच्छे से नहीं लगा। एक तो मैं कैमरे में देख के लगा रही थी तो उतना अच्छे से नहीं लगा, पर 10 रुपये में काफ़ी अच्छा काजल है 10 रुपये में। बस ये नहीं कहूँगी कि ये काजल जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ये इसी कंपनी का काजल मिले, पर इस तरह के 10 रुपये के काजल बहुत सारे आते हैं, हो सकता है अदर कंपनी भी आपको मिल जाए। बट अगर आप टीनेजर हैं, आपके पास इतनी पॉकेट मनी नहीं, क्योंकि पॉकेट मनी भी हम लोग को मिलती है, उसमें आप अपना मेकअप का शौक पूरा करना चाहते हो या स्टार्ट करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन आपकी आँखों में अगर कुछ लगाने से जलन होने लगती है, कुछ लोगों की आँखें सेंसिटिव होती हैं, आँखें रेडनेस हो जाती है आँखों में, तो आप इस काजल का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। बट आप देख सकते हो, मैंने इस्तेमाल किया, मेरी काफ़ी आंखें जो है वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आने लगी। एंड उसके बाद मैंने लिपस्टिक का इस्तेमाल किया। आप, मैं जो लिपस्टिक आपको दिखाने वाली हूँ, हो सकता है आपने देखा हो, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 10 या 11 साल की थी, उससे छोटी हूँ, तब मैंने ये लिपस्टिक मार्केट में देखी थी। आज भी ये 10 रुपये की रेंज में आती है, और ये है ग्रीन वाली लिपस्टिक। जी हाँ, जो ग्रीन वाली, मैं हमेशा सोचती थी ये लिपस्टिक ग्रीन की रेड कैसे हो जाती थी जब मैं छोटी हूँ, बट ये काफ़ी, आप इसको लगाओगे तो तुरंत आपको जो पिंकी लुक आ जाता है ना, ये बिल्कुल आ जाता है। अगर आपको लिपस्टिक लगाने का शौक नहीं है, अगर आपको लिपस्टिक लगाने का शौक है पर आप डार्क लिपस्टिक नहीं लगा सकते, खासकर लड़कियां, बहुत सारी फाउंडेशन होती है, मैं भी नहीं लगा पाती थी लिपस्टिक पहले, तो अगर आप बिल्कुल सा नेचुरल सा लुक चाहते हो तो आप ये 10 रुपये की लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो। कंपनी मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि ये लोकल है, और इस तरह की ग्रीन वाली लिपस्टिक जो होती है, ये बहुत सारी अलग अलग कंपनी की आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो 10 रुपये की रेंज में ये भी लिपस्टिक मैंने लगाई है। एंड चिपचिपाहट की बात करूँ तो चिपचिपाहट नहीं है, बट ठीक है। एंड होठ जो है, मुझे काफ़ी देखने में, मैं कैमरे में देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे लिप्स अच्छे लग रहे हैं। तो ये था मेरा मेकअप लुक अंडर 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपये में आप एक ठीक ठाक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि मुझे तो ये मेकअप लुक पसंद आया है, क्योंकि मेरे फेस पे मुझे ग्लो भी दिख रहा है, ठीक है, और पसीना बिल्कुल भी फेस पे नहीं आ रहा है, जो आजकल की दिक्कत होती है, और बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। एंड आँखों में अभी तो से मैंने किया नहीं, हो सकता है कि आधे एक घंटे बाद ये काजल गायब हो जाए, और लिपस्टिक कितने देर रुकेगी ये मैं नहीं कह सकती हूँ, बट कलर के हिसाब से आप लगाना चाहते हो घर में तो आप कर सकते हो। तो आप अगर
तो अगर आप टीनेजर हो, नई नवेली बहू हो, घर में ही आपको रहना है, या फिर आपको छोटी मोटी पार्टी में जाना है, या मार्केट जाना है, या फिर आप कहीं ऑफिस जाते हैं, या फिर आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैं, या फिर कुछ भी ऐसा वर्क करती हैं, तब आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आप जरूर बताना कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। मैं वैसे तो इतना मेकअप विदाउट मेकअप भी आ जाती हूँ आप लोगों के सामने। आज मैं जो थोड़ा सा मेकअप कर रखा है उसमें आपको कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। एंड दोस्तों कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक शेयर करेगा एंड पहली बार मेरे चैनल पर आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, घर पर रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।